अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप लोग? अच्छे हैं। तो हम निकल के घर आ क्या पढ़ी थी? नज़म पढ़ी थी। नज़म पढ़ी। कौन सी? कौवा। कौवा है ना? कौन सी पढ़ी थी? कौवा है ना। आज हम उसका खुलासा देखेंगे, यानी कि वो नज़म का मतलब समझेंगे, है ना। आप लोगों ने पढ़ा था उसका कि मतलब क्या है, ठीक है। तो हमने देखा था कि कौवे है सब देखे भाले, चोंच भी काली पर भी काले, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? कौवे जितने भी कौवे हैं आप सब देखते हो, कौवे सारे एक जैसे होते हैं क्या? किसी की चोंच नीली होती है, किसी की चोंच पीली होती है, नहीं ना। सभी की चोंच काली होती है ना। सब काले होते हैं ना। उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज, चोंच, आंखें, नाक सब काले होते हैं ना। सबके क्या क्या होते हैं? उनकी जो वर्दी होती है वो भी काली काली होती है ना। काली काली वर्दी सबकी, है ना। सब उनकी वर्दी भी काली होती है, और लेकिन उनकी क्या होती है, आवाज कैसी होती है? आवाज थोड़ी सी बुरी लगती है ना। कानों में वो जब काय 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 करता है, कान में चुभती है ना आवाज, तो आवाज थोड़ी सी बुरी होती है उनकी, है ना। आवाज क्या होती है उनकी? बुरी होती है, काय काय, है ना। लेकिन उनकी एक अच्छी भी आदत होती है, क्या? के जब वो उनको कोई चीज मिलती है खाने के लिए, तो वो अपने सारे भाइयों को बुलाकर उनको भी खिलाते हैं, है ना। सबको काय 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 करते हुए सारे जम जाते हैं, और फिर उनको भी वो खिलाते हैं, अपने सबकी सब भाइयों को ही दावत करते हैं। हम वो अकेले नहीं खाते हैं सिर्फ। हम लोग ना ये हम लोग के घर पे आते हैं ना, काओ काओ करके हम लोग रोती रहते। वेरी गुड। तो ऐसा देना चाहिए उनको भी, है ना। तो वो लोग वेरी गुड। तो इसी तरीके से वो अपने सारे भाई कौवे भाइयों को बुलाते हैं, और उनको भी वो खिलाते हैं, है ना। उनकी एक अच्छी आदत होती है। यस। और वो क्या करते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि वो किसी की चोट से भी खाना लेके जाते, किसी के हाथ से भी निकाल के लेके जाते खाना। आपको पता है? मेरे मम्मी खिलाते हाथ से, और मैं भी। नहीं, हाथ से नहीं, मतलब कभी कभी वो क्या करते हैं, अगर कोई खा रहा हो उसको देखते रुकते हैं, या तो फिर वो उड़ा कर भी उसको अपनी चोंच में पकड़ कर लेके जाते हैं, है ना। समझ आया आपको? हाँ। ओके।